तो कैसे आप सभी, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको भी लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए बताते हैं न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सबसे पहले बता दूं मैम ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल बताऊं तो होता क्या है दोस्तों, ये डीएनए होता है। ये दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। और वो दो प्रकार क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है, बस आपको जानना और समझना है। आप समझ लीजिएगा, अपने से खुद आप देख सकते हो। आप कोशिश कीजिए कि आप जो लेक्चर या जिसकी भी वीडियो कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद उसे खुद से लिखने की प्रैक्टिस किया कीजिए, आपको उस तरह बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं बता रही हूँ, ये लेक्चर जो दे रही हूँ उसमें बोर्ड पे क्या लिखा है आपको वो ध्यान नहीं दे रहा। मैं क्या बता रही हूँ आपको कितना समझ में आ रहा है आप उस पर फोकस कीजिएगा, और जो समझ में आ रहा है अपने नोट्स पे आप खुद ही बना सकते हैं। तो मैं कहाँ थी, मैं ये बता रही थी कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ये दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिलते हैं। मैम प्लांट, जो प्लांट वगैरह बैक्टीरिया वायरस की बात करूँ तो उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। अगर इनके फुल फॉर्म यानी कि इसका जो पूरा नाम होता है उसके बारे में बात करूँ तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। एक बार और रिपीट करती हूँ, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड किसका होता है? डीएनए का होता है। और क्यों डीऑक्सी कहते हैं ये बताऊंगी मैं डीएनए के लेक्चर में जो इसके बाद आने वाली है। आरएनए की बात बताऊं मैं तो आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोस और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए को डीऑक्सी क्यों कहते हैं, राइबोस को आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, ये आपको कल की वीडियो में जानने को मिले रहेगा। ठीक है, तो अब पहले हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अब बात करते हैं, ये तो पता चल गया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है दो प्रकार का होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। यहाँ पे लिखा है फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था, न्यूक्लिक अम्ल की खोज 1869 में किया था। 1869 में, ठीक है, किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर, यानी कि डीएनए और आरएनए की ही, आरएनए ही तो न्यूक्लिक एसिड है, तो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। अगर मैं बात करूँ इसका रासायनिक संगठन, जो न्यूक्लिक एसिड होता है किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इनकी केमिकल जो प्रोसेस होती है किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस, ये पांच प्रकार से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कौन मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोले तो क्या, डीएनए और आरएनए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अभी स्टार पॉइंट दीजिए, इस पॉइंट को अभी छोड़िए, क्योंकि ये पॉइंट अभी नहीं समझ में आएगा। जब नीचे का दोनों पॉइंट समझा दूंगी ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं बात करती हूँ, दो टर्म आता है, ये दो टर्म कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइट में क्या अंतर होता है। किसी भी स्कूल में किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा फिर भी आपको याद रखना जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी कि जो एग्जाम में आएगा हमको वही पढ़ना है, नहीं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूक्लियोसाइट्स और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या अंतर, ये स्टार पॉइंट कीजिए क्योंकि ये कई जगह पूछे भी जाते हैं और आपको ये जानना भी जरूरी है। न्यूक्लियोसाइट्स, देखिए वर्ड में ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोसाइट्स है और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स है, टी और एस का 100 का अंतर है। तो न्यूक्लियोसाइट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइट जब शर्करा यानी कि शुगर और नाइट्रोजनी क्षार से मिलके बने होते हैं, जो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार, अब ये क्या होते हैं ये भी बताऊंगी, पहले एक ध्यान से सुन लो, पहले पूरा लेक्चर सुन लो, ठीक है, उसके बाद कंफ्यूज होना कि ये क्या बताया जा रहा है। तो मैंने बोला कि न्यूक्लियोसाइट्स ऐसे होते हैं जो शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं। किससे? न्यूक्लियोसाइट्स में शर्करा यानी कि शुगर और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं, उसे हम न्यूक्लियोसाइट्स कहते हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूंगी ना तो यह शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार की जगह पे हम न्यूक्लियोसाइट्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोसाइट्स, न्यूक्लियोसाइट्स। तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या रख सकते हो पता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है मैम? न्यूक्लियोसाइट्स प्लस फास्फेट, न्यूक्लियोसाइट्स प्लस फास्फेट, या शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार प्लस फास्फेट। अगर फास्फेट आ गया तो हमेशा याद रखिएगा कि टाइड्स की बात की जा रही है, अगर फास्फेट नहीं है तो हमेशा याद रखिएगा कि साइट्स की बात की जा रही है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुद्धि में घुस रहा है कि नहीं? क्या मैं बोल रही हूँ कि न्यूक्लियोसाइट्स किसे कहेंगे? न्यूक्लियोसाइट्स जब शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार होता है वो न्यूक्लियोसाइट्स होता है, और जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार में फास्फेट फास्फेट समूह होता है ना, पढ़े हुए कभी तो कभी, फास्फेट जब ऐड हो जाता है तो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाता है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब मैं एक बात करती हूँ, ये वाले पॉइंट जो मैंने छोड़ा था, इसको न्यूक्लिक अम्ल में कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किस से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि मैम इसमें सरकरा भी होता है, नाइट्रोजन क्षार भी होता है और फॉस्फेट समूह भी होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? न्यूक्लिक सरकरा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट भी होते हैं। साइट और टाइप में अंतर याद रखिएगा आप लोग, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। अब बात करती हूँ नाइट्रोजन क्षार, जो यहाँ पे आप लोगों ने नाइट्रोजन क्षार देखा वो क्या था? देख उससे पहले मैं सरकरा बता दूँ, सरकरा क्या होगा? डीएनए और आरएनए तो होगा, सरकरा क्या होगा? डीएनए और आरएनए की तो बात की जा रही है, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब किसकी, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैम? एक होता है बेटा प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। क्या क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरीन होता है, एक कौन सा होता है? पिरिमिडीन होता है। प्यूरीन में अगर बात किया जाए तो एडनिन और ग्वानिन आते हैं। क्या आते हैं? ए जी आते हैं। क्या आते हैं? ए और जी। ए जी वर्ड सुना है? ए जी, ए जी, ए जी वर्ड किसको बोलते हैं? अपने हस्बैंड को बोलते हैं ना लोग, तो ए जी आपको याद रखना है। प्यूरीन में क्या आते हैं? ए जी आते हैं। क्या आते हैं? ए जी। एडनिन और ग्वानिन आते हैं। क्या आते हैं? एडनिन और ग्वानिन, ठीक है। अगर आप ए जी बोल रहे हो समझ जाओ कि आप प्यूरीन की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? प्यूरीन की। एडनिन और ग्वानिन की बात कर रहे हो। और यहाँ कहाँ पे ये सब यूज होगा ये भी बताऊंगी, ज्यादा चिंता ना करिएगा, लेक्चर आएगा, ठीक है। अब बात करती हूँ पिरिमिडीन की। पिरिमिडीन में क्या होता है? थायमिन होता है, यू होता है और क्या होता है? सी होता है, TUC, ठीक है, TUC या CUT भी लिख सकते हो। आपको अगर आपको ट्रिक से याद है तो CUT लिख दीजिए, CUT, ठीक है, कट। तो एक होता है एडनिन, ग्वानिन, AG बोलते हैं, प्यूरीन में आता है, पिरिमिडीन में क्या आता है? CUT, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिन, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिन। आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैम आपने क्या ये लाइन में लिखा है तो इसी लाइन में लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो इधर है इधर ही रहना चाहिए, जो इधर इधर है, ये नहीं कि अभी बीन को उठा कर इसमें रख देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एडनिन ग्वानिन हमेशा प्यूरिन के साथ ही रहते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और हमेशा क्या होते हैं? थायमिन और यूरासिन साइटोसिन में ही इसी में ही होते हैं। आपको इतना सब याद रख लेना है। रख लोगे कि नहीं रख लोगे? रख लोगे। अब मैं इसमें एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर मैम डीएनए और हम आरएनए की बात करूं, डीएनए और आरएनए की, तो दोनों का पूरा नाम तो पता चल गया होगा ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और या अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस होते हैं और आरएनए में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो डीएनए